दिल्ली का एलजी बीके सक्सेना एक महाभ्रष्ट व्यक्ति है, रोज सुबह उठ के नई जांच शुरू कर देता है, जिसका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से इतने बौखलाए हुए हैं एलजी महोदय कि वो बिना सिर पैर की जांच शुरू करा देते हैं। जो काम, जो काले कारनामे उन्होंने खादी के अध्यक्ष रहते हुए किया, वही भ्रष्टाचार वो दिल्ली में करना चाहते हैं। हर टेंडर में उनको कमीशन चाहिए, हर टेंडर में उनको पैसा चाहिए। एलजी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है, ये कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का काम आप सीधे ठेकेदारों से बुला के तय करके कर लो, ये काम आम आदमी पार्टी के रहते हुए नहीं होगा। जो लूट और भ्रष्टाचार का धंधा आपने खादी में चलाया वो दिल्ली की सरकार में नहीं होगा, यहां आपका कमीशन और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इसलिए दिमाग भटकाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसका खुलासा मैंने खुद किया था, 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आपने खाया है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की आपने लूट की है। और कैसे किया था? हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद खादी में काम करने वाले कामगारों का, 2.5 लाख कामगारों का पैसा आपने निकाल लिया, कैश में पेमेंट किया, अकाउंट से पेमेंट नहीं किया, आधार कार्ड से लिंक अकाउंट से पेमेंट नहीं किया। वो पैसा कहां गया? वो सैकड़ों करोड़ की लूट कहां गई? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई से, ईडी से? क्या जांच एजेंसियां जांच करके ऐसे महाभ्रष्ट एलजी को जेल नहीं भेजना चाहिए? जांच एजेंसियों को जांच करके बीके सक्सेना को जेल में डालना ही होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। 1400 करोड़ रुपए का हेरफेर नोटबंदी के दौरान एलजी ने किया, खादी के अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खाया, उनका पैसा डकार गया एलजी। तो वीके सक्सेना से मैं कहना चाहता हूं कि आप ये रोज फर्जी और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करो। जो अभी नया और ताजा मामला है, जिसकी जांच करा रहे हैं एलजी, उसमें तो टेंडर हुआ ही नहीं, बसें खरीदी ही नहीं गई, ना टेंडर हुआ ना बसें खरीदी गई, जांच करा रहे हैं वीके सक्सेना जी, जांच करा रहे हैं। ऐसा तो कोई अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति भी नहीं करेगा, इतनी सामान्य समझ तो एक एलजी के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को होनी चाहिए। जिस चीज का टेंडर नहीं हुआ, जिस चीज का, जिसमें बसों की खरीद हुई ही नहीं, उसकी जांच करा रहे हैं। तो ये सब, सारी टैक्टिक, सारा प्रयास ध्यान भटकाने का है। मुख्यमंत्री पे जांच करा ली, उप मुख्यमंत्री पे जांच करा ली, स्वास्थ्य मंत्री पे जांच करा ली, अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पे जांच, और सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे। इसलिए आपके असली चेहरे को दिल्ली और देश की जनता पहचान रही है। आपको जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा।